गोवर्धन रोड स्थित गांव सतोहा में शांतनु बिहारी मंदिर पर महंत द्वारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंदरों को बिस्कुट, केले और चने खिलाए गए। मथुरा गोवर्धन रोड गांव सतोहा में शांतनु बिहारी मंदिर पर मंदिर के महंत बाबा नरसिंह दास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रीजी नगर बलराम भाग के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा भूखे पेट बंदरों को बिस्कुट, खिचड़ी, केले और चना खिलाए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा शांतनु कुंड के चारों ओर पवित्र जल की स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए एक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जल कुंड की सफाई और उसके परिसर में कूड़ा करकट साफ किया गया। इस कार्य में नाव, बोट और ट्यूबों के माध्यम से कूड़ा करकट को इकट्ठा कर कुंड से बाहर निकाला गया। मौजूद रहे महानगर सामाजिक समरसता प्रमुख अजय शर्मा जी, महानगर कार्यवाह शिव कुमार जी, भाजपा सतोहा मंडल अध्यक्ष यशपाल जी, समाज सेवी मुकेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बताए कौन सा गाँव है? ये सतोहा गाँव है, शांतन कुंड हो प्राचीन स्थान, शांतन कुंड हो शांतन कुंड है, शांतन बिहारी मंदिर के श्री RHS के द्वारा कुंड की सफाई हुई है और बंदरों की सेवा ये उन्हीं के द्वारा किया गया है, जो आज काम सफल हो गया है। अरे बंदरों की पीड़ा आपने कैसे देखी? हाँ, बंदरों की पीड़ा तो सबसे ज्यादा बंदरों की सेवा यहाँ। अच्छा, बंदरों को आज आपने क्या क्या खिलाया? हाँ, बंदरों को खिलाया कि खिचड़ी, हाँ, केले और बिस्कुट और कोमरी, ये सब सेवा की है। ये बंदरों को लेके आज आपने खाने के लिए इनके इंतजाम किए हैं, किन कारणों को लेके किए? एक्चुअल में समाज के जितने भी प्रवासी मजदूर थे या जो भी गरीब स्तर के लोग थे, उनके लिए प्रबंध तो बहुत सी संस्थाएं भी कर रही थी भोजन का, और संभवतः पूरा उपलब्ध वही कराया भी जा रहा था, लेकिन ये जीव जंतुओं को लेके थोड़ी सी जागरूकता नहीं थी और ये काफ़ी अपने आप को असहाय महसूस कर ही रहे हैं, तो इनके इस प्रकार के पोषण को लेके जो समस्या दिखाई दे रही थी उसी प्रारूप को लेते हुए आज इनके पोषण के लिए चना की और चावल की खिचड़ी मिश्रित और इनको पापे वगैरह, केला, इस प्रकार का आहार इनको उपलब्ध कराया गया।